श्री गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक मंगल कामनाएं सभी को। और इस बार का गणेश चतुर्थी जो 31 अगस्त को पड़ रहा है, बहुत 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 ही विशेष संयोग, ऐसे शुभ संयोगों के साथ में है। देखिए बात समझेंगे। चलिए बात शुरू करने से पहले एक बात पर संस्मरण करा दूं, मेरे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अभी अविलंब कर लें। आपको निरंतर अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और अपने लोगों को शेयर भी करें और लाइक करते रहें। आइए इस बार की बात करें। देखिए कभी क्या है कि हमारे पंचांग, यानी इसमें पांच प्रकार के बातें हैं, दिन है, नक्षत्र है, मुहूर्त है, कई प्रकार के, जिसे पंचांग कहते हैं। और पंचांग हमारा क्या अनुमति देता है, प्रायः कभी कभी क्या होता है कि कभी नक्षत्र, कभी तिथि, कभी कोई आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे हो जाते हैं, कभी कोई ओवरलैप करता है, तो सारे संयोग कभी कभी किसी पूजा में मिल नहीं पाता है। इस बार गणेश चतुर्थी में क्या है, स्मरण करेंगे। गणेश चतुर्थी भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणपति जी का उस दिन जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है और ऐसी ही मान्यता हमारी है। इस बार भाद्र मास शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि के साथ साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए, हमारे गणपति महाराज का जन्म कब हुआ था, अपराहन काल में हुआ था और उस समय स्वाति नक्षत्र था। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि के दिन इस बार सबसे बड़ा संयोग क्या है कि स्वाति नक्षत्र भी 3:22 तक रहेगा, जहां अपराहन काल है, और साथ ही साथ अपराहन भी मिल गया, नक्षत्र भी मिल गए, दिन मास तिथि पक्ष सारे हमारे मिल रहे हैं, सारे संयोग। और उतना ही नहीं, साथ ही साथ उस दिन रवि योग भी मिल रहा है, जो कि इस दिन की महत्ता को और बढ़ा दे रहा है। तो गणपति की पूजा करना, इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा करना यानी श्री गणेश जन्मोत्सव मनाना, उमंग के साथ मनाएं, इस बार तो विशेष रूप से गणपति महाराज अपनी कृपा की वर्षा करने वाली हैं। तो माताएं, बहनें, बेटियां, इस प्रकार की ये सारे लोग और सभी लोग तन मन आराम से बहुत श्रद्धापूर्वक इस गणेश चतुर्थी को मनाएं। स्मरण रहे गणेश जी महाराज की, उनकी छवि क्या है, एक तो विघ्न हरता है, जितने भी आपके जीवन में विघ्न हैं ये विघ्नों को दूर करते हैं और ये सिद्धि प्रदायक हैं, सिद्धि देने वाले हैं, सिद्धि विनायक हैं, तो सभी सिद्धि को भी प्रदान करते हैं। और मंगल मूर्ति सभी प्रकार से मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं, और सभी शुभता के देवता गणेश जी को प्रणाम करें और श्रद्धापूर्वक। हाँ, एक मंत्र है बड़ा ही सरल जो कोई भी कर सकता है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र के साथ में भगवान गणेश की पूजा करें, बहुत ही शुभ संयोग है। आनंद पूर्वक, श्रद्धापूर्वक भक्ति में डूब कर बस आप अपनी भक्ति दें, आपको गणपति जी सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस बार बहुत श्रद्धापूर्वक, आनंद पूर्वक इसको पूजा को करें। गणपति महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः आप सबों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभ मंगल कामनाएं। ओम गम गणपतये नमः।